दर्द का रिश्ता होता है। बेटा मुझे तो डर इस बात का कि कहीं पूर्णिमा भी किसी साजिश का शिकार तो नहीं होगी। हो सकता है पापा, क्योंकि दादी माँ की सच्चाई पूर्णिमा जानती। नहीं बाके, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की नजरों में गिरे, लेकिन एक बात तो है, मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। पूर्णिमा से आपकी कोई बात हुई थी? नहीं, नहीं तो। जाने से पहले मैंने सोचा शायद आपकी कोई बात हुई हो, शायद बताकर गई हो कि वो कहाँ गई। नहीं वैभव जी, मुझसे तो कोई बात नहीं की थी। समझ भी नहीं आता कहाँ गई है, किसी को बताकर भी नहीं, और अब तो उसका मोबाइल भी बंद है। क्या पूर्णिमा हरिद्वार में है? क्या पूर्णिमा हरिद्वार आई है? पूर्णिमा हरिद्वार में है या फिर कहाँ है, घर में किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं। वो कल से ही लापता है। हे भगवान, ये पूर्णिमा कहाँ जा सकती है? आखिर वो हरिद्वार नहीं गई तो फिर गई कहाँ? आखिर पूर्णिमा गई तो कहाँ गई? उसे ढूंढने की हर कोशिश कर ली, लेकिन पता नहीं चला। सभी जी, पूर्णिमा का कुछ पता चला? नहीं सर भी, हम लोग ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पता नहीं कहां चली गई पूर्णिमा। कहां गई है वो, मैंने बताया कहां जा सकती है वो? सब लोग यही सोच रहे हैं, और पूर्णिमा भी तो किसी को बता कर नहीं गई है। अब अगर कल तक पता नहीं चला तो मैं खुद ही जाऊंगा हरिद्वार उसका पता लगाने। ये वैभव जी, मुझे नहीं लगता कि वो हरिद्वार में। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अगर वो हरिद्वार में होती तो वो घर में किसी को बता कर जाती, या फिर वहां पहुंचने के बाद एक फोन कर सकती थी। माना भले ही उसका फोन बंद है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि घर में किसी का भी नंबर उसे याद नहीं हो। हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अब किया क्या जाए? मेरा दिल बहुत डर रहा है वैभव जी, जितना सोच रही उतना ही परेशान हो रही। पता नहीं पूर्णिमा कहाँ है, किस हालत में है, आखिर उसने फोन क्यों नहीं किया? घर में तो बस मुकुंद प्रसाद का नाम ही है जिससे मिलने पूर्णिमा जाने वाली थी। कहीं पूर्णिमा मुकुंद प्रसाद की साजिश में तो नहीं फंस गई? बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है बाबू जी। हाँ लेकिन सामने तो मुकुंद प्रसाद का नाम ही है, पुलिस में कंप्लेंट तो कर दी है, लेकिन लगता है कि अब मुकुंद प्रसाद के नाम से भी कंप्लेंट करना ही पड़ेगा। आखिर पूर्णिमा का इंतजार कब तक करेंगे?
परेशान मत होइए, पूर्णिमा का पता चल जाएगा। सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना पूर्णिमा को ढूंढने के लिए। क्या हुआ, पूर्णिमा का कुछ पता लगा? नहीं भाभी, पूर्णिमा का कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ की पुलिस हरिद्वार पुलिस को भी खबर कर चुकी है, पर पूर्णिमा कहीं नहीं मिल रही। मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। भाई साहब, मुझे लगता है कि पूर्णिमा का पता लगाने के लिए अखबार में इश्तेहार दे देना चाहिए। उसकी फोटो अखबार में छपेगी तो किसी ना किसी की नजर उस पर जरूर पड़ेगी। हाँ चाचा, अब बिल्कुल ठीक कह रहे। आखिर पूर्णिमा गई कहाँ? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हेलो, इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूँ। आपने अपनी बेटी की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी उसका पता लग गया है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कैसी है पूर्णिमा, कहाँ है? मैं सरोजनी नगर के आशीष हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी यहाँ पर एडमिट है, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? 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 पूर्णिमा का एक्सीडेंट? पूर्णिमा का एक्सीडेंट? देखिए, वो बहुत बुरी तरह घायल है, आप लोग फौरन यहाँ पहुंच जाइए। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अभी पहुंचते हैं। जी। क्या क्या हुआ पापा? पूर्णिमा का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह से घायल है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा अभी। मैं भी चलूंगी। चलो सरस्वती, तुम लोग घर पे रहना, बाकी भाई सब कहाँ? अपने कमरे में होंगे शायद। ठीक है, उन्हें बता देना कि हम हॉस्पिटल। जी। सरस्वती, पूर्णिमा ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए, जरा देखिए तो सही आपने क्या हालत बना रखी है अपनी। मैं पूछती हूँ कि आप खाना नहीं खाओगे तो क्या माँ जी वापस आ जाएगी? अगर मेरे भूखे रहने से माँ जी वापस आ जाती तो मैं महीनों भूखा रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे भूखे रहने से माँ जी वापस नहीं आएगी। पर खाना क्या कहूं भावना, निवाला हलक से नीचे उतरता ही नहीं तो क्या करूं? जैसे ही निवाला हाथ पे लेता हूं तो माँ जी का ख्याल आता है। ख्याल आता है कि उस बदमाश ने माँ जी को किस हालत में रखा होगा, खाना दिया होगा या नहीं दिया होगा। आपने माँ जी की आवाज सुनी, क्या लग रहा था आपको? वो दुखी और परेशान तो लग रही थी भावना। मैं और भी उनसे बात करना चाहता था लेकिन उस बदमाश ने मुझे उनसे बात करने नहीं दी। भगवान ने चाहा तो
माँ जी जल्द ही हमारे पास होगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल आदा। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, कैसे हैं आप? आपने अपने माता जी को ठीक तरह से रखा तो है ना? लो, जब तक वो मेरे कब्जे में हैं, मैं उन्हें जैसे चाहूं रखूं। क्या कर लेंगे आप? अब चाहे उनकी गर्दन मेरे मुट्ठी में हो या उनकी गर्दन पर मेरा हाथ हो, आप देखने थोड़े ही आ रहे हैं। जुल्म का ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? तुम्हें भगवान भी इसके लिए माफ नहीं करेगा। लो, मैंने भगवान से माफी मांगी है क्या? या कभी माफी के बारे में सोचा है? अब तुम ये माफी आफी की बातें छोड़ो और वो सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अगर कल के कल वो जमीन मेरे नाम पर नहीं हुई तो तुम्हारी मां की आवाज हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी और तुम्हारा क्या होगा? ये तो समझ ही गए होगे तुम मुकुंद प्रसाद चौरसिया। जमीन तो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, पहले तुमने माताजी को अगवा किया और माताजी को अगवा करने के बाद पूर्णिमा को भी अगवा करने वाले तुम ही हो, क्योंकि वो सब कुछ जानने लगी थी, सच्चाई को पहचानने लगी थी। वाह, इस घर की भी पूरी खबर रखने लगे हो तुम मुकुंद प्रसाद चौरसिया, लेकिन इस घर में क्या हो रहा है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते और इस घर में आगे क्या कुछ होने वाला है ये भी नहीं समझ सकते तुम। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मुकुंद प्रसाद चौरसिया, उसे होने दो। तुम इसके बारे में कुछ मत सोचो, उस बारे में सोचो जो मैंने तुमसे कहा है। अगर कल के कल वो जमीन मेरे नाम नहीं हुई तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम नहीं जानते, समझे? हेलो 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 हेलो, ये अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन भावना, बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि इस घर में क्या हो रहा है ये तुम अभी नहीं समझ सकते। मतलब? मतलब ये भावना कि वो जो कोई भी है पूर्णिमा के घर का ही आदमी। इसका मतलब ये हुआ भावना कि ये शख्स पूर्णिमा के घर से ही बोल रहा है, क्योंकि उसने यही मुझसे कहा कि इस घर में क्या होने वाला है और आगे क्या होगा ये तुम नहीं समझ सकते। इसका साफ मतलब वो शख्स जरूर पूर्णिमा के घर का ही हुआ है। इसका मतलब कि माताजी को अगवा करने वाला माताजी के परिवार का ही कोई है? हाँ भावना, हाँ, ऐसे मामलों में अक्सर किसी करीबी का ही हाथ होता है। मुझे तो उसकी बातों से शक हो रहा है कि जरूर इसके घर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके लिए वो परेशान है। हाँ जी, इस बात का पता तो हमें सुरभि से भी लग सकता है ना? सुरभि पूर्णिमा के घर में ही तो रहती है। आप सुरभि को फोन कीजिए और पूछ लीजिए सब बात। तुम ठीक कह रही हो भावना। अब ये समझना जरूरी है कि पूर्णिमा के घर में और कौन कौन लोग रहते हैं और इस साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है।
मैं अजब ही सुरभि से बात करूंगा। पूर्णिमा का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हाँ फूफा जी, सब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। दर्द का रिश्ता होता है। घर में तो बस मुकुंद प्रसाद का नाम ही है जिससे मिलने पूर्णिमा जाने वाले। कहीं पूर्णिमा मुकुंद प्रसाद की साजिश में तो नहीं फंस गई? पूर्णिमा का कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ की पुलिस हरिद्वार पुलिस को भी खबर होगी, पर पूर्णिमा कहीं नहीं मिली। मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या हुआ पापा? पूर्णिमा का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह से घायल है। हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा अभी। जी फूफा जी। हेलो सुरभि। सुरभि तुम रो रही है क्या? हाँ फूफा जी, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ हर बात का जिम्मेदार आपको समझा जाता है। किस बात का जिम्मेदार? अब क्या हो गया सुरभि? अब मैं क्या बताऊँ फूफा जी, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ सुरभि। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा शक हुआ कि जरूर उस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई घटना घटी। क्या कह रहे हैं फूफा जी, आपको कैसे शक हुआ? दरअसल उसका फोन आया था सुरभि, जिसने माजी को अगवा किया है। उससे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो उसी घर में रहने वाला कोई शख्स है। इस घर की भी पूरी खबर रखने लगे हो तुम? मुकुंद प्रसाद चरसिया, लेकिन इस घर में क्या हो रहा है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। और इस घर में आगे क्या कुछ होने वाला है ये भी नहीं समझ सकते तुम। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मुकुंद प्रसाद चौरसिया, उसे होने दो। जानती हो सुरभि, उस तो मुझसे गलती से ये निकल गया कि इस घर में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है सुरभि कि वो शख्स उसी घर में रहता है और उसी घर में कोई ना कोई घटना होने वाली। घटना होने वाली नहीं है फूफा जी, घटना तो हो चुकी है। क्या? कौन सी घटना सुरभि? हाँ फूफा जी, पूर्णिमा का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हाँ फूफा जी, सब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। किसी को भी ये नहीं पता कि पूर्णिमा किस हालत में है, कैसी है। सबको लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है, और इन सारी चीजों के पीछे आपका हाथ है। क्या हुआ जी? ठीक नहीं सुरभि, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है बल्कि उसी शख्स का हाथ है जो इस समय उस घर में बैठा हुआ है। सारी साजिश उसी की है। तो भी किसी तरह ये पहचानने की कोशिश करो कि
उस घर में रहने वाला वो शख्स कौन हो सकता है? मुझे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी माता जी का पता लगाना है। जी फूफा जी। और सुनो सुरभि, पूर्णिमा के बारे में जो कुछ भी पता चले मुझे फौरन इतला करना। जी फूफा जी, अब मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। क्या बात है जी? हाँ, अरे बताइए ना, क्या बात है, क्या हुआ है? हाँ? पूर्णिमा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा? एक्सीडेंट हो गया। हाँ? क्या? पूर्णिमा का एक्सीडेंट? इस समय वो हॉस्पिटल में। इस बात का पता चंदन को लगा तो कितना दुख होगा उसे जी। हाँ? वो तो अभी भी हरिद्वार में पूर्णिमा को ढूंढ रहा है। पूर्णिमा का एक्सीडेंट हुआ है और जानते हो सब लोग ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे मेरा हाथ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसके पीछे उसी शख्स का हाथ है जिसने मां जी को अगवा किया है। माता जी को तो मैंने पहुंचा दिया हरिद्वार वृद्ध आश्रम में, और पूर्णिमा को दर्द का रिश्ता होता है। अब सारा का सारा मामला बाके लाल की मुट्ठी में है। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? यही कि वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया इस घर की एक एक खबर रखता है। उसे तो ये भी पता है कि मैंने ही पूर्णिमा को अगवा किया है। अब उस बेचारे मुकुंद प्रसाद चौरसिया को ये क्या पता कि मैं कोई भी चीज अपने पास नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं आदमी ही कुछ अलग किस्म का हूं अपने हिसाब से। माता जी को तो मैंने पहुंचा दिया हरिद्वार वृद्ध आश्रम में, पूर्णिमा को भगवान के पास। अपने हिसाब से पूर्णिमा ऊपर नहीं गई, उसका पता लग चुका है। कोई संभाले अपने आपको।